झांसी में दिन दहाड़े सरकारी और निजी जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत पर आनन-फानन में पुलिस मौके पर पहुंच गई और कार को जांच तक के लिए रुकवा दिया गया। पुलिस ने निर्माण कार्य करने वालों को हिदायत दी है कि जब तक लेखपाल नाप नहीं करेंगे तब तक निर्माण कार्य नहीं होगा। दरअसल अवैध कब्जे की शिकायत पुनावली के ग्राम प्रधान के द्वारा की गई थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार रक्सा थाना क्षेत्र के ग्राम पुनावली के ग्राम प्रधान जय सिंह ने पुलिस को सूचना दी थी कि उसके गांव में उसकी ज़मीन पर लोग जबरन कब्जा कर रहे हैं। जय सिंह ने बताया कि उसकी ज़मीन के दोनों ओर सिंचाई विभाग और ग्राम सभा की जमीन पड़ी है, जिस पर गांव के दबंग लोग बेखौफ होकर दबंगई के बल पर अवैध निर्माण कर रहे हैं। इसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी थी। सूचना पर पहुंचे रक्सा थाने प्रभारी और पुलिस बल ने निर्माण कार्य रुकवा दिया है। पुलिस का कहना है कि निर्माण कार्य विवादित है और जब तक लेखपाल द्वारा उसकी नाप नहीं की जाएगी तब तक निर्माण कार्य नहीं होने दिया जाएगा। तो यहाँ पर 2019 से मामला चल रहा है, इसी नंबर में हमारी ज़मीन है। यहाँ अभी तक पैमाइश नहीं हुई है और जबरन यहाँ पर ये मकान बना रहे हैं। एक बार यहाँ पैमाइश हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ जिसकी ज़मीन होगी मिल जाएगी और बनाएं। तो यहाँ पर हमारी भी ज़मीन है, उनकी भी है और कुछ सरकारी भी है। तो एक ग्राम प्रधान है जी, आपने क्या कर तो यहाँ पर वो कह गए अभी काम बंद रखिए, जब तक आप लोगों का निर्णय ना हो तो उसके लिए हम पुलिस का तो जो उन्होंने कहा तो उसका पालन करेंगे, लेकिन जब तक हमारी ज़मीन नहीं मिलेगी हम आगे भी कार्रवाई करेंगे, चाहे हमको धरना धरकर बैठना पड़े लेकिन हम अपनी ज़मीन लेकर ही मानेंगे। कौन कर रहा था अब यहाँ पर? एक ब्रजेंद्र साहू हैं, सुरेश राजपूत हैं और बकाया जो भी लोग हैं उनके साथ में। अभी किसी का नाम नहीं ले सकते, जो लोग सामने आएंगे तो उसके लिए हम बताएंगे। अब उसका जो भी हो, किसी का भूम नहीं है, ज़मीन कहीं नहीं जाएगी, उनको ज़मीन उनकी मिलेगी, हमको हमारी मिलेगी। झांसी से राहुल उपाध्याय की रिपोर्ट।